अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं लतीफ़ी स्ट्रीट के मकीनों से। देखते हैं कि आज वो क्या मसला लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसला क्या होने है यार? ये तो बाखुदा हमारी शराफत है कि आज तक लतीफ़ी स्ट्रीट में सर फटोल नहीं हुई। जी जी, वरना जिस तरह की हरकतें इन लोगों की, घूम खराबा हो गया है। अरे शराफत को छोड़ो यार, बदमाशी पे आ जाओ तुम। देख लेते हैं कौन सर पटोल करेगा, देख लेते हैं फिर। आवाज आस्ता करो चुपताई। आप देख नहीं रहे लतीफी भाई की आंखों में अखूने अफसार नजर आ रहा है। एक मिनट, जरा साथ साथ जरा लड़ाई को क्लियर करते जाए। ये लतीफी साहब सर पटोल क्या होता, वो जो बरी कंघी फेरते? अरे नहीं, एक दूसरे के सर फट जाते हैं। ओहो, ये होता है सर फटोल। ओहो, और बता दो इनको भी। और बट भाई, वो खूने फशार क्या होता है पता तो चले। भाई खून के क्या कहते हैं, लतीफी भाई क्लियर करना। आंखों में खून उतर आना। यहाँ पे हम कोई उर्दू का पर्चा देने के लिए नहीं आए हुए। हम बताने आए हैं कि लतीफी स्ट्रीट में क्या उधम मचाया हुआ इन लोगों ने। लतीफी साहब, पता तो लगना चाहिए ना कि लड़ाई में कौन कौन सा हथियार इस्तेमाल हो रहा है। अरे भाई बाबर भाई, आप सब जानते हैं। अच्छा, देखो फरीद भाई, एक तो वो क्या कहते हैं, यक नशुद दो शुद। अकेले ये भाई साहब नहीं थे मान, हम इनको एहतराम की नजर से देखते हैं। हमारे भाई हैं, हमारे मौलेदार हैं, हर चीज अलग, भाईचारा अलग। हम भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग हैं, मगर आप देखिए ये अकेले हमसे बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त हो रहे थे। ऊपर से अपने भाई को बुला लिया न्यूजीलैंड से। हुआ क्या है, वो जो बैठे हुए उधर वो देखिए जरा, न्यूजीलैंड से आएंगे? हाँ, खुर्रम खुर्रम, मैंने तो इनको गाजियाबाद में बहुत देखा घूमते हुए। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? वो जो गाजियाबाद में घूम रहे होते हैं उन्हीं की शक्ल के हैं, इसलिए आपको लग रहे हैं आए ये न्यूजीलैंड से हैं। एक मिनट, मेरा भाई मेरे घर आया, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ओ भाई, या तो ये मेरी दौलत से जेलस है या मेरी ब्यूटी से। ब्यूटी से ही जेलस होंगे, इस प्रॉब्लम को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। फरीद साहब, ये मोहल्ला है ही जेलस। मैं तो भैया आपको न्यूजीलैंड से फोन पे कहता था, ये मोहल्ला शिफ्ट कर लो और वापस पतोगी चले जाओ। भाई साहब, आप पतोगी के हैं? जी हाँ। हाँ, वहाँ के गमले बहुत मशहूर हैं। बात ये है फरीद मियां, के जो क्लियर करना चाह रहे हैं अपने भाई को, सफाई पेश कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं हुआ क्या। 15 दिन हो गए हैं ये भाई साहब को न्यूजीलैंड से हमारे सर पे मुसल्लत हुए। तो आपके घर पे तो नहीं आए ना, वो तो वहाँ है। देखिए तो सही, बताने क्या लगे हम। अच्छा भाई, जिस दिन पाकिस्तान का मैच होता है क्रिकेट का, ये साहब अपनी छत के ऊपर 80 इंच की LCD लगा के ऊपर अपने दोस्त अहबाब इकट्ठे करके ऐसा शोरगो का करते हैं, ऐसा शोरगो का करते हैं, ऐसा शोरगो का करते हैं कि हमारी जिंदगी अजीर्ण हुई पड़ी है। अब भाई, घर हमारा, टेलीविजन हमारा, दोस्त हमारे, टेलीविजन हमारा, तो अपने घर में शोर करो। अरे हम छात बजाएंगे छाली, आपको क्या है? अगर शोर हमारे घर में आएगा तो हम इत्राज नहीं करेंगे। अगर इतने शोर से तंग हो रहे हो तो शिफ्ट हो जाइए, मोहल्ला छोड़ दो, चले जाओ डिफेंस। बहुत खूब, यानी लतीफी स्ट्रीट जिसके नाम से मंसूब है वो ये मोहल्ला छोड़ दे। ये साहब जो पता नहीं पित्तों की से आए हुए हैं, वो आगे इधर रह ले। इस प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं, चुगताई भाई के नाम है ये प्रॉपर्टी। अरे तू ना बीच में बोल, मैं तुम्हें बता दूं। तमीज से बात करना मेरे भाई के सामने। देखिए, पहले ही हम बता चुके हैं, इसे कह दीजिए ये उठना उठना बंद करे, आराम से बैठ के बात करे। आपने पहले हमें कहा था कि ये टॉक शो है, यहाँ बैठ के बात होगी। बस भाई, मैं तो यही कह रहा हूँ, आप दोनों जज्बाती हो जाते हैं, आप भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, वो भी भड़कना शुरू कर देते हैं। चुताई साहब, आप तशरीफ रखिए, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। मैं भी इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तहमुल से बात कीजिए। तशरीफ भाई, उठे तो पहले वो है, आपको चाहिए था जो ही उठे ये कप घुमा के उनकी कनपटी में मारिए। क्या
ऐसा नहीं होता है, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये अच्छी आदत नहीं है, ये अच्छा तरीका नहीं है जो आप बता रहे हैं। चुगताई साहब आप बैठिए, आप भी आ जाइए, आप मूवमेंट निकालिए, ये ना समझिए काम कर से गए हुए, मूवमेंट निकालिए बस। रोना लतीफी स्ट्रीट, लतीफी कच्चे पेन से लिखा हुआ लतीफी स्ट्रीट, एक प्लेट तक तो लगवा नहीं सके ये लतीफी स्ट्रीट का क्या दवा लगवाइए, प्लेट एक दवा नहीं दो दवा लगवाइए, अब नशा ही उतार के ले जाते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि हर महीने प्लेट बनवा दें। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा भैया। नहीं नहीं बेटा बैठो बैठो, आप लोग भी उस मोहल्ले में रहते हैं, आपको भी मालूम होना चाहिए मोहल्ले की इज्जत का। आप खुद लतीफी स्ट्रीट अच्छा सा किसी महंगे वाले पेंटर से को अच्छी सी प्लेट बनवा के लगा दें। नहीं मैं क्यों लिखवाऊं, मैं चुगताई स्ट्रीट लिखवाऊंगा, चुगताई स्ट्रीट। अरे ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, अब ये बात बढ़ती जा रही है भाई। लतीफी मियां आप भी उनको उकसाए जा रहे हैं और वो भी भड़क रहे हैं, आप तेल डाल रहे हैं वो, और आप उनपे आग लगा रहे हैं। ये तो भाई बैठिए, हमारे तो भाई है। चलो ये बैठे, आपने तो खुद हमें हमारा साथ दिया था कि आप लतीफी स्ट्रीट लिखवा लें। आपको याद होगा जब आप नए नए मोहल्ले में आए थे तो आपने खुद ही तो कहा था कि इसका नाम तो लतीफी स्ट्रीट, इतने अच्छे आप हमारे भाई हैं, दौलत क्यों इस तरह। ठीक है मैं आपका भाई हूँ, लेकिन मेरे भाई के पीछे आप लोग क्यों पड़े हुए।